हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वितान हिंदी पाठमाला कक्षा 3 पाठ 8 देखकर चलो भाई। प्यारे बच्चों, यह कहानी कुछ बच्चों पर दर्शाई गई है, कुछ बालकों पर यह कहानी बनाई गई है, जिसमें ये बताया जाता है कि किस तरह कुछ बालक एक कमज़ोर बालक का मजाक बनाते हैं, उसे अकेला देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके साथ गलत हरकतें करते हैं। तो लेखक ने इस कहानी में यही बताया है कि किस तरह से एक कमज़ोर बालक का कैसे मजाक बनाते हैं और उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। लेकिन बच्चों, हर किसी का कोई ना कोई मित्र ज़रूर होता है, दोस्त ज़रूर होता है, जैसे आप सबका भी कोई ना कोई मित्र होता है, आप सबके कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होते हैं। इसी तरह हर बच्चे का कोई ना कोई दोस्त होता है जो उसका साथ देते हैं, हर तरह से साथ देते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। तो इस कहानी में कुछ बालक एक बालक के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उसका मजाक बनवाते हैं। तो बच्चों, क्या वो बालक उन लड़कों से यानी उन दूसरे बालकों से बदला लेता है? तो आइए हम इस कहानी को पढ़कर जानते हैं कि उन बच्चों के बीच में क्या हुआ। कुछ बच्चों ने जो कमज़ोर बच्चे को गिरा दिया था, उसका मजाक बनाया, उसके साथ गलत व्यवहार किया, तो क्या उस बच्चे ने इस बात का उन बालकों से बदला लिया? आइए हम कहानी पढ़कर जानते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस नाटक में एक बालक दूसरे को गिरा देता है। पढ़कर देखें फिर क्या हुआ। तो बच्चों, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हर बच्चे का कोई ना कोई मित्र ज़रूर होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार होता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हो तो आपके साथ भी आगे चलकर गलत होगा। इस कहानी में एक बालक दूसरे बालक को गिरा देता है और आगे क्या होता है, आइए पढ़कर देखते हैं। पहला दृश्य यानी एक पहला दृश्य कि उन बच्चों के साथ क्या हुआ। राघव, वह देखो, आओ तुम्हें एक तमाशा दिखाऊं। एक बालक जिसका नाम क्या है, राघव, और वो क्या कहता है अपने दोस्तों को, वो देखो आओ तुम्हें एक तमाशा दिखाता हूं। सुखमीत, क्या करोगे, तुम गौरव को फिर से गिराने की सोच रहे हो ना। राघव, हाँ उस दिन कितना मजा किया था हमने। वह पास आ रहा है, भाग कर जाता है, एक पत्थर उठाकर रास्ते के ठीक बीच में रख देता है। तो बच्चों, राघव की बात को सुनकर सुखमीत क्या कहता है कि राघव तुम क्या करोगे, क्या तुम फिर से गौरव को गिराने की सोच रहे हो। तो राघव क्या कहता है, हाँ उस दिन कितना मज़ा किया था, यानी राघव पहले के दिन की यानी जो उन्होंने पहले मजाक किया होगा, उन्होंने गलत हरकत की होगी, तो वो उसको याद करते हुए कहता है कि उस दिन कितना मज़ा किया था हमने। गौरव पास आ रहा होता है और राघव क्या करता है, भागकर जाता है और एक पत्थर उठाकर रास्ते के बीच में रख देता है। गौरव गाता हुआ यानी गौरव मस्ती में चलता हुआ
आता है। बढ़े चलो राह आसान है, जल्द ही पहुंच जाऊंगा, रुकना ना मेरा, धड़ाम से गिर जाता है। तो बच्चों, गौरव मस्ती में गीत गाता हुआ चला आता है। क्या कहता है? बढ़े चलो राह है आसान, जल्दी ही पहुंच जाऊंगा, रुकना ना मेरा। और जैसे ही वो ये लाइन बोलता है कि रुकना ना मेरा, और तभी वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। राघव ताली बजाते हुए, गिर गया। गौरव उठने की कोशिश करता है। जब गौरव गिर जाता है तो राघव क्या करता है? ताली बजाता है, और ताली बजाते हुए कहता है कि गौरव गिर गया। और गौरव उठने की कोशिश करता है। पत्थर की ठोकर से गौरव नीचे गिर जाता है और वो अब उठने की कोशिश करता है। सभी बच्चे हंसते ताली बजाते हुए, उठ भाई उठ, दिखता नहीं तो सड़क पर क्यों चलते हो। ये बात किसने कही? सभी बच्चों ने, यानी जो राघव के दोस्त थे उन सब ने क्या कहा? हंसते हुए और ताली बजाते हुए कहा, यानी वो गौरव का मजाक बना रहे थे, और मजाक बनाते हुए उन्होंने कहा कि उठ भाई उठ, जब तुझे दिखता नहीं है तो सड़क पर क्यों चलते हो। सुखमीत, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक तो उसे गिरा दिया, दूसरे हंसी उड़ा रहे हो। राघव, मैं तुम्हारी माँ को बताऊंगा। तो बच्चों, राघव के दोस्तों में एक लड़का सुखमीत था जो बहुत अच्छा था, और उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुम सबको शर्म आनी चाहिए, यानी तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुमने एक तो उसको गिरा दिया, एक तो तुमने गलत काम किया, उसके रास्ते में पत्थर रखकर उसको नीचे गिरा दिया, और ऊपर से हंसी उड़ा रहे हो, यानी उसका मजाक बना रहे हो। तो सुखमीत राघव को कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को ये बात बताऊंगा। चलो गौरव, तुम्हें घर छोड़ दूँ, तुम्हें चोट लगी है, कुछ दवा लगानी होगी, लो छड़ी पकड़ लो और मेरा हाथ भी, जाते हैं। तो बच्चों, सुखमीत गौरव की मदद करता है और कहता है कि चलो गौरव, मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ क्योंकि तुम्हें चोट लगी है, और कुछ दवाई भी लगा देंगे, लो छड़ी पकड़ लो और मेरा हाथ भी। और गौरव सुखमीत के साथ घर चला जाता है। बच्चे उधर देखते हुए गए, चलो खेलते हैं। तो जो और दूसरे बच्चे वहाँ पर खड़े थे जिसने गौरव का मजाक बनाया, वे सब उनको देखते हुए कहते हैं कि वे चले गए, चलो अब हम खेलते हैं, और वे बच्चे खेलने लग जाते हैं। वैभव, अरे उधर आसमान को तो देखो, कैसा लाल काला दिखाई दे रहा है। जीवन, लगता है बादल आ रहे हैं। असलम, नहीं, यह काली आंधी है, भागो घर भागो। भागते हैं तेज हवा का झोंका और फिर आंधी आ जाती है। तो बच्चों, जब वे बच्चे खेल रहे होते हैं तो उसमें से वैभव कहता है कि अरे उधर आसमान की तरफ देखो, आसमान कैसे लाल काला दिखाई दे रहा है। तो जीवन कहता है, लगता है बादल आ रहे हैं, यानी आसमान में काले बादल आ रहे हैं। तो असलम कहता है, नहीं, यह तो काली आंधी लगती है, काली आंधी का मतलब तेज आंधी जो अंधेरे के साथ आती है। तो असलम कहता है भागो, अपने अपने घर भागो, और वे भागते हुए अपने घर की ओर भागते हैं, और तेज हवा का झोंका और फिर आंधी आ जाती है, यानी जो काला अंधेरा छा रहा था वो तेज आंधी का था। राघव,
मेरा घर दूर है, मैं कैसे पहुंचूंगा? दौड़ते हुए, ओह ओह यह क्या, अरे मेरी आंखों में कितनी मिट्टी घुस गई है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। राघव ने क्या कहा कि मेरा घर तो बहुत दूर है, तो मैं अपने घर कैसे पहुंचूंगा? और राघव क्या कर रहा था, दौड़ रहा था, तो दौड़ते हुए राघव की आंखों में मिट्टी घुस गई, यानी धूल मिट्टी के कण उसकी आंखों में चले गए। तो राघव कह रहा था कि मुझे अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गौरव और सुखमीत दरवाजे पर खड़े हैं। राघव, बहुत तेज आंधी आ रही है, इधर आ जाओ। राघव, नहीं मैं घर जा रहा हूँ। गौरव और सुखमीत अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे, तो उन्होंने जब राघव को दौड़ते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि राघव आंधी बहुत तेज है, तो तुम इधर मेरे घर पर आ जाओ। तो राघव क्या कहता है कि नहीं मैं घर जा रहा हूँ। दूसरा दृश्य, दरवाजा खटखटाता है, कौन? राघव। राघव, माँ माँ दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा खोलते हुए, इतनी देर कहाँ थे, आंधी तूफान का भी ध्यान नहीं। तो बच्चों आगे क्या हुआ, आगे राघव अपने घर पहुँचता है और क्या करता है, अपना दरवाजा खटखटाता है और क्या बोलता है कि माँ माँ दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। और माँ दरवाज़ा खोलते हुए क्या कहती है, माँ कहती है इतनी देर से कहाँ थे, क्या तुम्हें आंधी तूफान दिखाई नहीं दिया, तुम्हें आंधी तूफान का भी ध्यान नहीं था, जल्दी घर नहीं आ सकते थे। राघव, माँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों में मिट्टी भर गई है। तो बच्चों राघव ने माँ से क्या कहा, राघव ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी आंखों में मिट्टी भर गई है। माँ चलो आंखें धुलवा दूँ, आंखें धोती है, अब थोड़ी देर लेट जाओ। तो राघव की माँ ने क्या किया, राघव की माँ ने राघव की आंखों को धुलवा दिया, यानी उसकी आंखों को धोया और कहा कि अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो, यानी अब तुम थोड़ी देर लेट जाओ। राघव, माँ मेरी आंखों में बहुत दर्द है, खुल ही नहीं रही है। माँ आंधी रुक ही नहीं रही, डॉक्टर चाचा को फ़ोन करती हूँ, आंधी रुकते ही चले आए। तो बच्चों जब राघव की माँ ने राघव की आंखों को पानी से साफ किया और उसको आराम करने को कहा, लेकिन राघव की आंखों में दर्द हो रहा था, क्यों, क्योंकि उसकी आंखों में ज़्यादा धूल मिट्टी चली गई थी और उसकी आंखें खुली नहीं रही थी। तो माँ ने कहा कि आंधी भी नहीं रुक रही है, चलो मैं डॉक्टर चाचा को फ़ोन करती हूँ और वे आंधी रुकते ही चले आएंगे। तो राघव की माँ डॉक्टर चाचा को फ़ोन करती है, डॉक्टर साहब आते हैं। डॉक्टर, मैंने राघव की आंखों में दवा डाल दी है, पट्टी भी लाया हूँ, बांध देता हूँ, यह अब आराम करे। माँ और डॉक्टर चले जाते हैं। तो बच्चों जब राघव की माँ डॉक्टर चाचा को फ़ोन करती है, उसके बाद डॉक्टर साहब राघव के घर पर आते हैं और डॉक्टर क्या कहते हैं कि मैंने राघव की आंखों में दवा डाल दी है और मैं इसकी आंखों पर पट्टी भी कर देता हूँ और अब इसे आराम करने की ज़रूरत है। तो राघव अब आराम कर रहा होता है और माँ और डॉक्टर चले जाते हैं। राघव, गौरव का घर पास ही है, क्यों ना उससे क्षमा मांग लूँ, मैंने ठीक नहीं किया उसके साथ। चुपके चुपके घर से बाहर आता है। तो बच्चों राघव ने क्या किया, राघव ने सोचा कि मेरा जो घर है वो गौरव के घर के पास में ही है, तो क्यों ना मैं गौरव से क्षमा मांगने, यानी उससे
माफ़ी मांगने के लिए चला जाऊं, क्योंकि मैंने गौरव के साथ ठीक नहीं किया और वो चुपके चुपके यानी माँ से छिपकर घर से बाहर चला जाता है। राघव ठोकर खाकर गिरता है। ओह, एक तो आंखों पर पट्टी। तो बच्चों, जब राघव अपने घर से बाहर आता है तो वो ठोकर खाकर गिर जाता है। क्यों? क्योंकि राघव की आंखों पर पट्टी बंधी थी। तो राघव ने गिरते हुए क्या कहा? अरे, एक तो मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। गौरव, देखकर चलो भाई, रुको रुको, मैं उठाता हूँ। हाँ हाँ, कहाँ जा रहे थे ऐसे? अब खड़े हो जाओ, कहीं चोट तो नहीं लगी? बच्चों, ये बात किसने कही? गौरव ने। गौरव ने जब राघव को नीचे गिरे हुए देखा तो उसने कहा कि भाई देखकर चलो, रुको, मैं तुम्हें उठाता हूँ। तुम इस तरीके से कहाँ जा रहे थे? अब खड़े हो जाओ। और गौरव ने राघव से पूछा कि राघव, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? राघव, तुमसे क्षमा मांगने, आज मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है, आज मुझे पता चला, जाने दो, बस कह दो क्षमा कर दिया। तो बच्चों, राघव ने गौरव से माफ़ी मांगी। क्यों? क्योंकि राघव को एहसास हो गया था कि उसने गौरव के साथ गलत किया और उसने क्या किया, गौरव से माफ़ी मांगने के लिए चला गया और उसने गौरव से माफ़ी भी मांगी। उसने पूरी बात ना कहकर बीच में ही क्या कहा कि गौरव, तुम मुझे माफ़ कर दो, बस इतना कह दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। गौरव, मैं सुखमीत को बाहर तक छोड़ने आया था कि तुम्हारी आवाज़ सुनी, तुम तो मेरे मित्र हो, क्षमा कैसी? मैं अपनी धुन में गाता हुआ जा रहा था, पत्थर का पता ही नहीं चला, गिर गया। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं, हम दोनों मित्र हैं। तो बच्चों, राघव की बात को सुनकर गौरव ने क्या कहा कि मैं तो सुखमीत को बाहर तक छोड़ने आया था, यानी सुखमीत गौरव का दोस्त जो उसके घर पर रुका था, तो गौरव उसको घर के बाहर तक छोड़ने आया। तो गौरव ने राघव की आवाज़ सुनी, गौरव ने कहा कि मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी और मैं बाहर आया। तो बच्चों, उसने कहा कि राघव, तुम तो मेरे दोस्त हो, तो तुम क्यों क्षमा मांगते हो? मैं तो अपनी धुन में गाता हुआ, यानी मैं तो अपनी मस्ती में गाता हुआ जा रहा था, पत्थर का मेरे को पता ही नहीं चला कि रास्ते में पत्थर भी रखा हुआ है और मैं गिर गया। इसमें तुम्हारा क्या दोष? तुम्हारी कोई गलती नहीं है और हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। राघव धीमे स्वर में, हाँ मित्र हैं, अब हम मित्र ही रहेंगे, मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। तो बच्चों, गौरव की बातों को सुनकर राघव ने धीरे से यानी बहुत धीरे आवाज़ में क्या कहा, उसने कहा कि हाँ, हम दोनों दोस्त हैं और अब हम दोस्त रहेंगे, अब मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा। तो बच्चों, इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा कि हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। आपने इस कहानी में देखा कि राघव ने गौरव के साथ गलत किया तो उसके साथ गलत ही हुआ। उसके साथ क्या हुआ? उसने गौरव को नीचे गिराया, उसको चोट लगी। तो राघव के साथ भी ऐसा ही हुआ। राघव की आंखों में धूल मिट्टी जाने के कारण उसकी आंखों में कमी आ गई थी, जिससे उसको पट्टी बांधने की ज़रूरत पड़ी। तो बच्चों, आपने देखा कि जो जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलता है।
अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो सामने वाले लोग भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ दोस्ती बनाकर रखनी चाहिए। तो बच्चों, क्लास में आपके जितने भी दोस्त हैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और सबकी हेल्प भी करनी चाहिए। धन्यवाद।